हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट सैम्पल पेपर कर रहे हैं मैथ्स का। देखिए, आज भी हम इसमें सेक्शन ही करेंगे द एरिया ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस दे रखा है हमें 2πr बराबर है 30.80 सेंटीमीटर, और हमें एरिया बताना है। देखिए, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुना में आर, 30/80 डिवाइड बाई 100, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 30/80 डिवाइड बाई 100 गुना में 7/22 गुना में 1/2। 0 से 0 कैंसिल। अब मैं क्या करूँगी, 22 की 308 से डिवाइड करूँगी, 2 10 में से 2 गए 8, यही जाएगा 4 पे, तो ये आ गया 14। ये जाएगा बेटा 7 पे, 7 7 जा 49 बाई 10, तो ये हमारी आर आ गई। अब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर का स्क्वायर। पाई है 22/7, आर है 49/10 मल्टीप्लाई 49/10, 7 से कट गया 7 पे, ये हो गया 154 गुना में 49 डिवाइड बाई 100। तो 154 की 49 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 45 एंड 3 48, 4 कैरी, 9 1 जा 9 और 4 13, ये है 4 4 जा 16, 5 4 जा 20 1 2, 4 1 जा 4 और 2 6, 6 8 6 14, 3 4 1 5, 6 1 7, ये आ गया 75.46। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाई। देखिए, मल्टीपल ऑफ थ्री क्या होता है, 3 और 6, कितने नंबर हो गए, 2 नंबर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 2, टोटल आउटकम 6 होती है, कट के 1/3, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। देखो, हमारे इक्वेशन देखिए 3x² - 4√3x + 4 = 0, यहाँ से a कितना है 3, b है यहाँ से माइनस का 4√3, c है यहाँ से 4, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b कितना है -4√3 उसका स्क्वेयर, 4 गुना में a है 3, c है 4, 4 का स्क्वेयर होता है 16, √3 का स्क्वेयर 3, 4 3 12 12 12 को 4 से गुना किया 48, 48 में से 48 गए 0। जब d बराबर 0 आता है तो इक्वल रूट्स होते हैं, कैसे होते हैं रूट्स, इक्वल, दिस रियल एंड इक्वल रूट, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, ये काफ़ी इजी है। देखिए, 2x - 3y = 7 है, 5x + y = 10 है। देखिए, एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 3 5 जा 15, 3y + 30, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देती हूँ, 2x - 3y = 7, 15x + 3y = 30, 3y से 3y कैंसिल, 15 और 2 होते हैं 17x, और ये होंगे 7 और ये 3, 37, x की वैल्यू आएगी 37/17। हम ऑप्शन में देख लेते हैं 37/17 किस में आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो सी ही कर देंगे हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, cos थीटा डिवाइड में cosecant थीटा +1 प्लस में cos थीटा डिवाइड में cosecant थीटा -1 इज इक्वल टू, हमें बताने किसके इक्वल होगा। देखिए, दोनों में cos थीटा कॉमन ले लेती हूँ, 1/cosec θ + 1 प्लस में 1/cosec θ - 1, cos थीटा बाहर है, दोनों कैल्सियम हो जाएगा, cosec θ + 1 एंड cosec θ - 1, आर पर गुना करेंगे, cosec θ - 1 प्लस में cosec θ + 1, देखिए 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया cos थीटा, cosec θ 2 cosec θ हो गए, नीचे cosec²θ - 1, cos थीटा गुना में 2, cosec θ को लिख सकती हूँ 1/sin θ, अब cosec²θ - 1 होता है cot²θ, cos/sin होता है cot θ, तो 2 cot θ डिवाइड में cot²θ, 1 cot कैंसिल, 2 cot ऊपर जाएगा तो tan θ, तो हमारा आ जाएगा 2 tan θ, बी ऑप्शन, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, इन द गिवन फिगर ए बी सी 90 डिग्री है, बी डी परपेंडिकुलर है, बी डी हमारे पास है 12, ए डी हमारे पास है 6, और हमें सी डी की वैल्यू बतानी है। मैंने उस दिन बताया था बी डी का स्क्वायर बराबर होगा ए डी गुना में सी डी के, बी डी कितनी है 12, 12 का स्क्वायर, ए डी हमारे पास 6 गुना में सी डी, 12 का स्क्वायर 144 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू सी डी, देखिए ये 6 से जाएगा, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, सी डी की वैल्यू आ जाएगी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में इन द गिवन फिगर पी ए इज ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सल पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी ओ बी, पी ओ बी हमें देखा 105, हमें पता है लीनियर पेयर से हम ये निकालेंगे, जिससे एंगल 1 नाम दे देते हैं, 1 + 105 = 180, एंगल 1 की वैल्यू आएगी 180 में से 105 गया, ये आ गया 75, कितना आ गया 75। अब हमें वैल्यू बतानी ए पी ओ की, ए पी ओ की इस वाले एंगल की, अब देखिए पी ए परपेंडिकुलर है ओ ए पे, तो दिस इंप्लाइज एंगल ए हो जाएगा 90 डिग्री का,
मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल पी ए ओ में एंगल पी, एंगल ए और एंगल वन का जोड़ कितना आएगा 180। तो पी की वैल्यू मुझे निकालनी है, ए हमारे पास 90 है, वन है 75 इक्वल टू 180, एंगल पी इक्वल टू 180 माइनस 5, 9, 7, 16, 10 में से 5 गया 5, 7 में 6 गया 15 डिग्री आंसर आ जाएगा। ये नया क्वेश्चन था हमारे लिए, क्वेश्चन नंबर 8। पी एंड पी बी आर टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल। देखिए मैंने सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करनी है पी ए एंड पी बी, ठीक है। एंगल ए पी बी, ए पी बी ये एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री और पी ए की वैल्यू दे रखी है हमें 10। मैं सेंटर मान लेती हूँ ओ, ड्रॉ हो गया हमारा। अब हमें बताना है लेंथ ऑफ कोड ए बी, ए बी की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? ए बी की। अब देखिए मुझे एक बार बताइए, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करती हूँ तो 60 का आधा ये हो जाता है 30 और ये होता है 90, क्योंकि टेंजेंट रेडियस पर क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर मैं ये वाली ट्राइंगल लेती हूँ तो इसमें मुझे ये ए बी निकालना है। देखिए वैसे भी ये आइसोस्केल ट्राइंगल होगी, क्या होगी? आइसोस्केल। ये 10, ये 10, ये 60 है, देखिए ये 60 ओके और ये है हमारा 90। अगर मैं ये जो कोड है हमें पता है वो सेंटर से इसका एंगल क्या बनाती है? दुगना। तो ये कितने का आएगा? 120 का। और अगर हम 120 प्लस में एंगल 1 नाम देते हैं इक्वल टू 360, यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू आएगी 360 माइनस 120, 0, 6 में से 2 गए 4, ये आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा? 240। और हम जानते हैं ओ ए बराबर ओ बी है। अगर मैं इस एंगल को 2 नाम दे देती हूँ, इसको 3, तो एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के। तो एक ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए ओ बी में सभी एंगल का जोड़ होगा 180। एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 का जोड़ कितना होगा? 180। तो यहाँ पे ये वाला एंगल हमारा 240 नहीं, ये 240 नहीं है उनका, इसमें मिस्टेक है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 9, 7 साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में 3 कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ हमें बतानी है सीकेन थीटा प्लस में कोसिकेन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए भाई, देखिए सीकेन थीटा पहले मुझे जिसकी वैल्यू बतानी है उसी को मैं कन्वर्ट करती हूँ। सीकेन थीटा को लिख सकती हूँ 1 बाय कोस थीटा, कोसिकेन को लिख सकती हूँ 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें ये निकालनी है। अब देखिए 7 ये हमें, अगर मैं एलसीएम लूंगी इनका सीकेन थीटा प्लस में कोसिकेन थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। पहले मैं इसी को कन्वर्ट कर देती हूँ, मैं ओन स्केयरिंग बोथ साइड करती हूँ इसमें, ओन स्केयरिंग बोथ साइड्स। देखिए सीकेन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोसिकेन स्क्वेयर थीटा प्लस में 2 सीकेन थीटा और कोसिकेन थीटा, ये बनेगा हमारा। सीकेन स्क्वेयर थीटा को लिख सकती हूँ 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, कोसिकेन स्क्वेयर थीटा को 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा प्लस में 2 सीकेन थीटा और कोसिकेन थीटा। इससे ही हमारा क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो रहा है, हम इसका दूसरा मेथड ही लगाते हैं। देखिए 7 साइन स्क्वेयर थीटा को लिख देती हूँ मैं 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में 3 कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 4, 7 को 7 माइनस 7 कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में 3 कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 4, 7 में से 3 गया ये बचेंगे माइनस के 4 कोस स्क्वेयर थीटा, ये 4 में से 7 गया माइनस के 3, तो यहाँ से माइनस कैंसिल, यहाँ से कोस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू आ गई 3/4, तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी रूट थ्री बाई टू। तो यहाँ से रूट थ्री बाई टू कब होता है थीटा? ये होता है 30 पे, कितने पे होता है? 30। तो थीटा की वैल्यू आ गई 30। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देती हूँ, सीकेन 30 प्लस में कोसिकेन 30 ओके। सीकेन 30 की वैल्यू देखिए, कोस 30 की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू, तो सीकेन 30 की वैल्यू होगी 2/√3 और कोसिकेन 30 की वैल्यू साइन 30 की होती है 1/2, तो इसकी हो जाएगी 2/1। अगर मैं एलसीएम लूंगी रूट थ्री तो ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 2 प्लस में 2√3। अब हम ऑप्शन देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर यही है सी ऑप्शन ओके। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। देखिए अब हम अगर पी का रेशियो देखते हैं, ये 1 है, उसके पीछे 2 हिस्से हैं, तो पी के लिए रेशियो है 1:2, और अगर मैं क्यू के लिए देखूँ ये 2 हिस्से पीछे 1 हिस्सा पीछे बाद में, तो इसके लिए रेशियो हो गया 2:1। अब तुम्हारे पास इसमें वैल्यू निकालनी है हमें ओनली वाई की, तो हमारे सिर्फ ये वाला पॉइंट काम आएगा। हम इसमें लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, क्या लगाएंगे? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? एक्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है एम ऑफ एक्स टू एन ऑफ एक्स वन डिवाइड में एम प्लस एन। अब देखिए हमारे पास एक्स की वैल्यू है 3, अब मुझे इसमें निकालना है वाई, और वाई का फॉर्मूला होता है एम ऑफ वाई टू एन ऑफ वाई वन डिवाइड में एम प्लस एन। तो हमें वाई ही निकालना है, तो मैं उसी को निकाल देती हूँ, वाई इक्वल टू एम, एम मेरा है 2 मल्टीप्लाई वाई टू है मेरा। देखिए इसको लिखूंगी एक्स वन वाई वन और लास्ट वाले पॉइंट को लिखूंगी एक्स टू वाई टू, तो वाई टू हमारे पास है माइनस का 5 प्लस में एन, एन है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई वाई वन है हमारे पास 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 1।
देखिए माइनस का 10 प्लस में 7 डिवाइड बाय 3, ये आ गया माइनस 3/3, कट के आ गया माइनस 1। तो y की वैल्यू यहाँ से हमें y की वैल्यू बतानी थी, एक मिनट दोबारा चेक करती हूँ मैं। इसका फॉर्मूला था m ऑफ y2 n ऑफ y1 डिवाइड में m प्लस n। इसके लिए रेशियो था ये 1:2, 2:1। तो 2 मल्टीप्लाई में y2 की वैल्यू है माइनस के 5 प्लस में 1 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू है मेरे पास 7 डिवाइड में 2 प्लस 1, ये आ गया माइनस का 10 प्लस में 7 डिवाइड बाई 3, माइनस 3/3, माइनस 1 ही आएगा बेटा इसका आंसर, इसमें कोई मिस्टेक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। थ्री चेयर एंड टू टेबल की कोस दे रखी हमें। देखिए इसमें थ्री चेयर तो 3x प्लस में टू टेबल की 2y बराबर है 1850। आगे फाइव चेयर तो 5x और थ्री टेबल की दे रखी है तो 3y इक्वल टू है 2850। तो हमें टोटल कोस्ट बतानी है एक चेयर की और एक टेबल की। देखिए अब मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा सकती हूँ या हम वैसे पुट करके भी देख सकते हैं। देखिए इसमें मैं इसको किससे, इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए इसके 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, फर्स्ट को 3 से और सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई। देखिए फर्स्ट को 3 से क्या, 3×3 9x, 3×2 6y, 0×3×5 15, 3×8 24, 18×3 54 और 1×5 कितने हो गए 55, है ना। और अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 10x 6y, 0×5×10, 28×2×56 और 1×57। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ये आएगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2 0, 10 में से 5 गए 5, 6 में से 5 गए 1, कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 150। कितनी आ गई 150। अब हमें क्या बताना है, टोटल कॉस्ट बतानी है। x आ गया, अब मैं y निकालूंगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3×150 प्लस में 2y इक्वल टू है 1850। यहाँ पे आ गया ये 0, 5×3 15, 450 प्लस में 2y इक्वल टू 1850। यहाँ से 2y की वैल्यू आएगी 1850 माइनस 450, 0, 0, 1400। तो y की वैल्यू आ जाएगी 700। अब हमें टोटल कॉस्ट बतानी है, टोटल दोनों की 150 में 700 जोड़े तो आगे 850, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल है, मान लो एक अल्फा है तो एक 1/α है, ऐसे क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए। इक्वेशन है k-1x² - 10x+3 = 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है अल्फा गुना में 1/α होता है c/a, अल्फा को अल्फा से काटा यहाँ पे आ गया 1, c की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है k-1, r पर गुना कर दीजिए k-1 = 3, k की वैल्यू आ गई 4, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर ऑफ जीरो जीरो बताने, देखिए कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1, 2, 3, 4 और 5, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो जीरो कितने हो गए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 डिस्टेंस बतानी है किस पॉइंट की एक्स एक्सिस है। देखिए पॉइंट हमारे पास एक्स तो 3 है और वाई कितना है 11, जो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है वही एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है, तो इसमें 11 यूनिट आ जाएगी। द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 50 और 350 विच एंड विद 1। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो 1 से एंड होते हैं 50 से 350 के बीच के नंबर, जैसे 51 1 से एंड होता है, अगला क्या आएगा 61, सम बताना है ना, और उससे अगला 71, उससे अगला 91, फिर 101, फिर हाँ पहले 81, फिर 91, तो हम देख रहे हैं लास्ट में गैप होता जा रहा है हमारे पास, तो ये कितने नंबर होंगे। अब देखिए 350 में से ये कितने बनेंगे, लास्ट वाला नंबर देखिए 1 से एंड होने वाला, 350 से पहले 1 से एंड होने वाला 301 बनेगा, है ना, और तो कोई है ही नहीं 301, या 350 से पहले 341, हाँ तो ये हमारे नंबर हो गए। तो हमने इसमें देखा 10-10 का गैप है, कितने कितने का गैप है 10-10 का, तो ए तो हमारा है 51, डी हमारा है 10, तो लास्ट वाला नंबर ए एन हमारा है 341। पहले हम एन निकाल लेंगे, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 341, ए है 51, एन माइनस 1, डी है 10 इक्वल टू 341, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 341 में से 51 घटाइए 0, 14 से 5 गए 9, 290, तो यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू 290 डिवाइड में 10, 29 आ गया, तो n की वैल्यू आ गई 30। अब हम इसमें शॉर्टकट फॉर्मूला लगाएंगे Sn का n बाई 2 a प्लस l, n कितने नंबर आ गए 30/2, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 51, लास्ट टर्म है 341, 2 से कटाइए 15 पे, 15 मल्टीप्लाई 1 और 1 2, 5 और 4 9 और ये हो गए 3, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करके हम सब निकालेंगे। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कहाँ गया ये हमारा, हाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 15×2=30, मैं मल्टीप्लाई करके देखती हूँ 392×15, 15×2=30 का 0, 3 कैरी, 95×45, 5, 4 कैरी, 9×4=13 और 3 ऐड किए तो 358। देखिए 8 जीरो जिसमें लास्ट में आ रहा है,
80, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पी वाई हमें दे रखा है दिस वन, देन पी माइनस वन की वैल्यू निकालनी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन, देखिए मैं यहाँ कर देती हूँ। 3y^4 माइनस 5y³ प्लस में y² + 8 है, हमें इसमें सिर्फ माइनस वन पुट करना है। 3 × -1^4, 5 × -1^3 प्लस में -1² + 8। 3 − 1^4 1, 5 × -1^3 -1, −1² + 1 प्लस 8। 3 − −+8, 5 + 1 + 8, ये कितना हो गया 5 × 3 = 8, 18, 16 × 1 = 17 आंसर आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द सन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री एंड हाइट ऑफ द पोल, देखिए ये हमारी हाइट है पोल की 8 मीटर, एंगल हमारा बन रहा है 30 डिग्री, और हमें लेंथ ऑफ शेडो मतलब नीचे वाली बतानी है। इसका नाम दे देती हूँ ए बी सी, मुझे बी सी निकालना है, बी सी बटे ए बी, ये क्या है बेस, ये है परपेंडिकुलर, वो होता है कोट, कोट 30, कोट 30 की वैल्यू होती है √3, तो बी सी और ये है 8 = √3, तो हमारे बी सी की वैल्यू आ जाएगी 8√3, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ए डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, देखिए डाई पे प्राइम नंबर होते हैं 2, 3 and 5, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/6 कट के 1/2, क्योंकि 3 नंबर हो गए हैं। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम 0.4 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस का 0.6 है, बिल्कुल ठीक है, और ये इसका ए ऑप्शन रहेगा क्योंकि ये इसका करेक्ट रीजन है। नेक्स्ट, वी कैन से डेट 3/3 डिवाइड करता है 93 को एंड 5 डिवाइड करता है 0 को, 5 0 को भाग करता है, एक मिनट, हर नंबर 0 को भाग करता है, हाँ 0/5 लिख सकते हैं हम, हाँ ये ट्रू है। और ए नॉन जीरो नंबर, ए इज सेट टू बी डिवाइजर एंड बी इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर सी, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो ये भी इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। थैंक यू वेरी मच, वो बचा हुआ क्वेश्चन करेंगे।